देखिए अकोट, और अकोट से हम जाएंगे अमरावती, और हमारा ये ब्लॉग भी अकोट से अमरावती के बीच के रोड का क्या हाल है ये दिखाने का हमारा थोड़ा सा उद्देश्य रहेगा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि हम है भाई ट्रैवलर, तो ट्रैवलिंग करते करते एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक का रोड हम शुरुआत में तो महाराष्ट्र में ही दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो अकोट डिस्ट्रिक्ट है वो अकोट डिस्ट्रिक्ट से अमरावती डिस्ट्रिक्ट का कैसा है रोड का हाल ये हमारे व्लॉग के जरिए आप देख सकते हैं। अकोला से, अकोला भी यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। यहाँ से हमें करीबन 2 घंटे तो भी अमरावती जाने के लिए लगने वाले हैं, अगर रोड का कंडीशन अगर अच्छा हो तो। अब देखिए ऐसे अगर रोड होंगे, ये तो शायद नया कंस्ट्रक्शन है, पुल बन रहा है, अगर रोड अच्छे है तो हम जा सकते हैं भाई 2 घंटे में अमरावती। रोड ही अगर उबड़ धाबड़ होंगे, टूटे फूटे होंगे तो नहीं जा सकते हैं। तो हमारा ये जो ब्लॉग का एक ही उद्देश्य है कि हमारा यहाँ का जो विदर्भ का अकोट है, अकोट से अमरावती का रास्ता किस प्रकार से रहेगा यही हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। और ये अभी सीधा हम अभी जाएंगे, पहले तो दरियापुर लगेगा, फिर बाद में तारापुर लगेगा, और तारापुर के बाद में लगेगा अमरावती, और सारा रोड का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से तो थोड़ा रोड अच्छा दिख रहा है, कितना टाइम लगेगा हमारे कार से वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हम तो स्पीड से नहीं चलाने वाले भाई। ये देखिए यहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ है शायद, या कुछ अंडे गिंडे गिर गए हैं, वो लेडीज़ को भी लग गया है, पलटी हो गया लगता है, देखो आदमी गिर गया है। रोड ही ऐसे है तो क्या कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे व्हीकल लोग चलाते हैं, ना उसका मेंटेनेंस करते हैं ना कुछ, और नहीं उसका मेंटेनेंस भी नहीं रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वो ले जाते हैं, और फिर बूढ़े बाटे आदमी गिर जाते हैं, तो बेचारे को जो है बहुत परेशानी होती है, क्या करेंगे। इसलिए कोई भी व्हीकल चलाना है तो भाई पहले मेंटेनेंस रखो तभी चलाओ, जान पे खतरा नहीं मोलना है। और ये देखिए यहाँ से श्री महादेव मार्बल ग्रेनाइट आया हुआ है, बाहर बाहर से जा रहे हैं, कोट का ये बाहर का रास्ता है, क्योंकि गांव में से हम नहीं घुसे, पिछली बार घुसे तो बहुत टाइम लगा। और ये देखिए ट्रैक्टर बीच में घुसा दिया है, ट्रैक्टरों की वजह से भी होते हैं एक्सीडेंट, क्योंकि ट्रैक्टर वाले जो है भैया आगे पीछे कुछ नहीं देखते, वो सीधा सीधा घुसाने का कोशिश करते हैं। और चलिए ये बाहर का रोड है, और बाहर के रोड से ही हम अभी अमरावती पहुंचेंगे। रोड पहले नहीं बना था लेकिन अभी बना हुआ, पिछली बार आया है तो जरा पत्थर पत्थर वाला रोड था, लेकिन अभी इस बार आए तो ये बन चुका है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, रोड बन चुका है रोड। श्री कृष्ण मंदिर अकोट के पास में हम आए हुए हैं, श्री कृष्ण मंदिर है यहाँ, यहाँ से हम गुजर रहे हैं, और ये बस कहाँ जा रही पता नहीं, क्योंकि हम इसको पार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिए अकोट से अमरावती तक का रास्ता हम पूरा बिना कट किए हुए दिखाएंगे, रास्ते का हाल क्या है वो भी आपको हमारे कैमरे के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, तो आप देख लीजिए। और करीबन जो हम गूगल मैप पे सर्च कर रहे तो 2 घंटे का रास्ता हमें बता रहा है, लेकिन ऐसी अगर स्पीड रही तो लग सकता है 2.5 घंटा। और ये बहुत बड़ा नाला अकोट का जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये
एक तंदूरी ढाबा है भैया, इधर पार्सल सुविधा उपलब्ध हो रहा है, लेकिन लग रहा तो कुछ भी नहीं है। पवार बिल्डिंग वर्ष भी आया हुआ है अपना, बाहर बाहर से जा रहे हैं, गोरक्षण मार्ग है। अच्छा अच्छा हम जो गुजर रहे हैं शायद गोरक्षण मार्ग से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये सुपर बाजार है द मार्ट करके, और हमें जाना है सीधा अमरावती के लिए। यहाँ एक HP का पेट्रोल पंप भी लगा हुआ है, तो भाई लोगों बिल्कुल आप बने रहो, हमारा ये ब्लॉग आपके लिए बहुत कीमती हो सकता है। अगर आप सर्च करेंगे अकोट टू अमरावती तो हमारा ब्लॉग के जरिए आपको रास्ता पता चल जाएगा कैसा है। और अभी हम जो है थोड़ा सा बात करना बंद कर देते हैं, और यहाँ जाते समय मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मंदिर लग जाते हैं भैया, ये बहुत बड़े बड़े मंदिर है। और ये मंदिर का नाम भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता सकता हूँ, सागर श्रद्धा सागर करके है, श्री क्षेत्र श्रद्धा सागर संत वासुदेव महाराज ज्ञानपीठ संस्था का ये मंदिर है। और ऐसा ही एक मंदिर आगे भी आपको देखने को मिलेगा, हम कभी नहीं गए मंदिर में लेकिन है, और बढ़िया सा मंदिर है। और ये इधर भी मंदिर है, ये कैमरा तो हमारा सामने ही लगा है, तो आजू बाजू ये बता सकते हैं कि मंदिर लग गया है। और बस को जो है हमें पार करना पड़ेगा तभी तो आगे जाएंगे। निकले हम अकोट के बाहर, तो देखिए सारा रास्ता, और बने रहे हमारे साथ, बहुत ही अच्छा नजारा, बहुत ही हरा भरा रास्ता है ये। चौबल सीट चलते हैं यहाँ लोग, लेकिन रास्ता पकड़ के चलते भाई, रास्ता नहीं देते हैं, तो हमें बहुत संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है। ये देखिए हर रास्ते से चलते बाइकर्स, ऐसा डर ही नहीं है इन लोगों को, साइड से बिल्कुल नहीं चलेंगे लोग। बहुत ही बढ़िया ऐसा रास्ता है अकोट से दरियापुर तक का, और दरियापुर से भी शायद अच्छा ही रास्ता बना हुआ है। अभी तक तो रास्ता हमें बहुत क्लीन एंड नीट दिख रहा है, सिंगल रोड, लेकिन ट्रैफिक इतना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकर है, सिर्फ बाइकर को थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके के बाइकर कोई रूल रेगुलेशन के साथ नहीं चलाते, क्या करे, चला रहे हम थोड़ा 80 का स्पीड, कभी होता है 60, कभी होता है 50, रोड के हिसाब से हम चला रहे। और एक गांव आया हुआ है, वो गांव का नाम अभी हम दिखा देते हैं। यहाँ भी एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, और गांव का नाम तो अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अकोट के बाद में कौन सा छोटा सा गांव है, वो गांव का भी नाम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हमें नहीं पता चला है गांव का नाम, बेटा गांव का नाम जरा सा ढूंढ ले। ओ शायद सबका सावरा गांव है, ये सावरा गांव का नाम थोड़ा सा हमें
पोस्टर पे दिखा तो उसी से पता चला कि अकोट से थोड़ी दूर पर ये सावरा गांव है। अब सावरा गांव से आगे हम निकल चुके हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और रोड की हरियाली का मजा देखते रहिए। रुके हुए हैं और खाएंगे अभी केला, क्योंकि चलाते चलाते रेस्ट भी होना भाई जरूरी है। तो ये देख लीजिए केला, और केले के साथ में हम कर रहे हैं अभी थोड़ा सा इंजॉय। और अभी हम खा रहे हैं दूसरा केला, इसको बोलते हैं केला बनाना। और बनाना के साथ में हम कर रहे हैं थोड़ा सा लंच, तो किया नहीं अभी, क्या हो रहे लंच के बिना ये बनाने, क्योंकि कोई अच्छा सा हमें रेस्टोरेंट अभी तक नहीं मिला, इसलिए हम जो है। और सामने से आ रही है बैलबंडी, तो बैलबंडी भी दिखाते हैं हम आपको, जरा देखिए बैलबंडी, बैलगाड़ी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, ये देखिए बैलगाड़ी आपको दिख रही है भैया, वाह 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 वाह। और सारा खेती का नजारा है, और पूरा हरा भरा हरा भरा रास्ता है, और बहुत ही इंजॉय के साथ में हम अभी जा रहे हैं अकोट से दरिया। पूरे रास्ते काम चालू है, मतलब आगे रास्ता जो भाई अच्छा नहीं आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा है कि आगे रास्ते का काम चालू है, इसका मतलब रास्ता जो है खोदा हुआ है। और आ चुके हम दरियापुर के बाउंड्री क्रॉस करके, अकोट छोड़ दिया, अब ये दरियापुर का बाउंड्री में हम घुस गए हैं भाई। ज़्यादा रास्ता खराब नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है, देखते ये कंस्ट्रक्शन कहाँ तक चलेगा, कितने किलोमीटर तक चलेगा। और हम हमारा सफर आगे आगे बढ़ती, और मैंने जो दूसरे मंदिर का जिक्र किया था, ये है भैया दूसरा भी मंदिर जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये भी सद्गुरु धाम का मंदिर ही है। तो एक ही रास्ते में दो दो सद्गुरु धाम के मंदिर यहाँ लग जाते हैं। देखिए देखिए रास्ता बहुत ही खड़बड़ा रास्ता लग गया है, फिर भी हम आगे आगे जा रहे हैं। गांव का नाम हमें दिख गया है, देखो सामने है वडनेर गंगाई, और दूसरा गांव लग चुका है हमारे रास्ते में, और दूसरा गांव है वडनेर गंगाई। यहाँ से अंजन गांव 27 किलोमीटर, काड़गवान 6 किलोमीटर, और कारला जो है 12 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब तीन गांव को रास्ता जाता है। इस गांव से गुजरते हुए कुछ प्रवासी लोग भी है जो व्हीकल या बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको भी कहाँ जाना होगा आगे। और देखिए मेंढी भी दिख गई है रोड पे हमें, ठीक ठाक गांव लग रहा है भाई। और यह आया स्पीड ब्रेकर और कूद गए हम, और एक छोटा बच्चा साइकिल चलाते हुए देख लीजिए। यहाँ एक विशेष है, मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल है, मतलब यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं भाई, जहाँ गांव जो गांव में जो है उर्दू स्कूल है, समझ लेना वहाँ मुस्लिम आबादी है। और ये भी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बकरियाँ ही बकरियाँ हमारे वीडियो में देख लीजिए। और ये मियाँ भी बिछाया जा रहे हैं खेत में, और उधर से आ रही है एक औरत, उसका भी नज़ारा देख लीजिए, वो भी खेत से आ रही है शायद, एक पुलिया भी दिख गया है हमें। और कुछ लोग जो है गप्पा मार रहे हैं भैया फ्रेंडशिप के साथ में। और एक आया है गांव, और उस गांव का भी नाम आपको दिखा देते हैं,
बहुत अच्छा गांव लग रहा है, ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी यहाँ दिख रही है। तो इस गांव का भी नाम आपको परिचित करा देते भाई, क्योंकि कृषि केंद्र है यहाँ, तो गांव तो थोड़ा सा चंगा ही लग रहा है। देखते आगे गांव का नाम मालूम ही पड़ जाएगा। तक तो हमें पढ़ने में नहीं नजर आ रहा है गांव का नाम, तो जैसे ही आ जाएगा हम आपको बता देते हैं ये गांव का नाम क्या है। यहूदा है शायद, यहूदा संभाजी ब्रिगेड, यहूदा मतलब गांव का नाम शायद लग रहा है यहूदा। तो यहूदा आया है भैया यहाँ अकूट से दरियापुर जाते हुए बीच में लगता है यहूदा, और ट्रक दोनों ट्रक ने हमारा जो रास्ता है रोक दिया है भाई। तो हम जो है उधर से बाइकर भी आ रहा है और दिखा रहा है यहाँ से आप 5 किलोमीटर राइट साइड में जा सकते हैं घोड़चंदी, और मेरे लेफ्ट साइड में जो है गांव पड़ता है यहूदा। देखिए अच्छा गांव लोकेलिटी है, यहाँ सारा साइकिल्स का सामान भी आपको मिल जाएगा, कृषि केंद्र भी है, बैंक भी होगा, अच्छे अच्छी बिल्डिंग भी है। तो मेरे हिसाब से यहूदा गांव बढ़िया गांव है। मोटर रिपेयरिंग वाले भी यहाँ आपको मिल जाएंगे यहूदा में। देख लीजिए भाई लोगों, यहूदा गांव से हम अभी जा रहे हैं और सिर्फ 12 किलोमीटर के बाद में हमारा थोड़ा सा अच्छा तालुके का मतलब तहसील ठिकान जो है दरियापुर आएगा, और दरियापुर से फिर हम जाएंगे अमरावती। तो वहाँ से शायद 1 घंटे में हम पहुँच सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगेगा अगर 12 किलोमीटर दूरी हम पार करते हैं। तो बाद में देखते हैं, यहूदा से जो दरियापुर है वो सिर्फ 12 किलोमीटर दिखा रहा है, और यहूदा में भाई क्या है यहाँ पुलिस स्टेशन भी है। वाह वाह, मतलब ये सर्कल गांव है यही तो मुझे लग रहा है। और फिर से एक पार्टी मिल रही है कि यहाँ से देखिए अकोला 45 किलोमीटर दिखा रहा है, दरियापुर यहाँ से जो है राम तीर्थ भी 17 किलोमीटर और 14 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, ये समझ में नहीं आता। उधर से 12 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 2 किलोमीटर का अंतर यहाँ से यहाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक जगह से बोल रहा है दरियापुर जो है ये उधर से 12 किलोमीटर है, और दूसरी जगह से बोल रहा है दरियापुर जो है 14 किलो। किलोमीटर है यहाँ से दरियापुर, तो दरियापुर के पहले 2 किलोमीटर पहले जो कोई गांव आया है वो गांव से हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये दरियापुर में ही आता है भाई। और यहाँ से अंजन गांव भी जा सकते हो, सीधा बोल रहे कि अमरावती। और देख लीजिए दरियापुर का सारा नज़ारा, एक बड़ा सा नदी है दरियापुर का नीचे से बहता हुआ, हम जा रहे पुलिया के ऊपर से दरियापुर।
सिटी, आप देख लीजिए दरियापुर सिटी, यहाँ नगर परिषद भी है दरियापुर, मतलब तहसील लेवल का है भाई, और बहुत ही बढ़िया तरीके से रोड बनाए हुए हैं दरियापुर में, कंक्रीट की, देख लीजिए बहुत ही सुंदर ऐसा सिटी है दरियापुर भी। तो अकोट में भी ऐसी रोड नहीं दिखे, तो दरियापुर से थोड़ा सा अकोट जो तालुका है शायद अकोट, वो थोड़ा सा टाउन लग रहा है, मुझे लग रहा है अकोट वो भी तालुका ही है, मैंने डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था, लेकिन वो अकोट तालुका ही है और ये भी एक तालुका ही है दरियापुर। अमरावती डिस्ट्रिक्ट का में हम आ चुके हैं, अकोला डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हुए। इसी प्रकार से हमारा महाराष्ट्र जो है बहुत ही बढ़िया है, अभी विकासात्मक है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने देखो अच्छे अच्छे कुछ बनाए हुए हैं, दुकान, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी यहाँ है, और ये भी दरियापुरी है बेटा, और दरियापुर का पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कोरोना का डर लोगों को है नहीं, क्योंकि कोई भी लोग मुझे जो है मास्क एक दुख के लोग ही पहनते हुए दिख रहे हैं, बाकी जो लोग हैं बिना मास्क के बिंदास घूम रहे हैं। और ये छोटा ट्रैक्टर भी आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, वो भी खेती के लायक हो काम में आ रहा है छोटा ट्रैक्टर। और यहाँ से हम जाएंगे सीधा अमरावती, शायद यहाँ से रास्ता जो है अच्छा मिलेगा हमको, क्योंकि पिछली बार भी जो है रास्ता में अच्छा ही मिला था, अभी पीछे देखना पड़ेगा भैया, ये तो खड़ा हुआ है। और दरियापुर में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हमें मिल गया है, खड़े नहीं है रोड जो है भैया, कुछ ट्रैफिक का मामला यहाँ तो दिखा देते हैं दरियापुर में, आगे क्या हुआ पता नहीं, रोड का कंस्ट्रक्शन शायद चालू होगा इसीलिए होगा, चलो धीरे धीरे हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। दरियापुर में रेनॉल्ट का किड गाड़ी सामने हमारे जा रहा है, वो भी बहुत रेड कलर का, बहुत ही बढ़िया ऐसा गाड़ी जा रहा है आगे, और एक टाटा का इंडिका गाड़ी है शायद, और महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल जो हमारे स्टेट का बस है वो भी आगे जा रहा है। देखते क्यों उन्होंने ट्रैफिक जाम किया मुझे पता नहीं चल रहा है, काम के वजह से थोड़ा सिंगल रोड चल रहा है, इसी के बोतल जो है थोड़ा धीरे धीरे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, देखते ट्रैफिक से हो गए क्लियर। के बाइकर्स उड़ीकडे असा जाऊनासाठी ना मागच्या आपण सरळच करतो नाही
जगह अमरावती ऐसी जगह ऐसी तो सला मूर्ति जब हो रहा है रास्ता बेटा पूछ लेते हैं बेटा वही रास्ता था शायद या देखते हैं ना पूछ लेते हैं। अरे सर जी अमरावती का रास्ता किधर से थोड़े पानी के आ गए है छीटे और यहाँ से हमारे लेफ्ट हैंड में जाएगा अमरावती। और यहाँ से भैया सीधा जाएगा अमरावती। निकल गए हम अभी दरियापुर के बाहर और चीते पड़ रहे बरसात के और बहुत ही बारीक बारीक की जैसे कांच भी साफ नहीं हो रहा। बारिश छिटोरी चल रही है भैया की आशंका बनी हुई है स्टेट ही जाना है ना क्या यही तो गाड़ी है शिवम। अमरावती है यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर। देखते हैं
जाएंगे इधर वलगांव की तरफ। वलगांव से ही हमें आगे जाना है। बहुत ही बढ़िया रास्ता है दरियापुर से अमरावती का, लेकिन अकोट से दरियापुर का रास्ता खास नहीं है भाई। यहाँ से आराड़ा दिखा रहा है 7 किलोमीटर। Four minutes.
साइकिल
ये आ गया है खोलापुर और खालकुनी गांव, यहाँ से इधर तुम्हारे राइट साइड में है। और फिर से रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है भाई। मक्केश्वर काका का गाँव है ना भातुकली। मात्र 25 किलोमीटर दूरी पे है वरन अमरावती और वलगांव है 10 किलोमीटर दूरी पे, 10-15 किलोमीटर दूर पर ही है, ज़्यादा दूर पर नहीं है, 15 किलोमीटर है।
किलोमीटर दूरी पर है ये वाला गाँव। और यहाँ से जो है अमरावती अभी ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट के अंदर में हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि अमरावती सिर्फ 12 किलोमीटर दिखा रहा है। तो किलोमीटर अमरावती का नज़ारा, ये वलगाँव का नज़ारा भी हम हमारे कैमरे में के द्वारा दिखा रहे हैं। अमरावती का नज़ारा देख लीजिए, अमरावती वलगाँव का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। वलगाँव का रोड अमरावती से सिर्फ 12 किलोमीटर दूरी पर है भैया। थोड़ा सा अच्छा सा मार्केट पड़ता है, मटन वटन लेना है तो उसके लिए भी अच्छा है। और एक अच्छा एक सुंदर सा बौद्ध विहार भी यहाँ है जो आगे हमारे कैमरे में देंगे। कैमरा में बहुत ही सुंदर सा ऐसा बनाया है। समोर रास्ता है, देखिए सुंदर सा बौद्ध विहार तो हम आगे दिखा रहे हैं। रोड पे ही है, कैमरा में कर दूंगा। हाँ और देखिए सामने दिख रहा है बुद्ध विहार, सुंदर सा ऐसा बनाया हुआ है। वलगाँव का बुद्ध विहार है, नालंदा बुद्ध विहार है वलगाँव का। Thank you.
ரைடு பண்ணுங்க. झाड़ मोठं